सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल्ला। एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। आबकारी नीति मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 6 मार्च तक विधायक मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड। सिसोदिया ने कल ही जमानत पटीशन की सी दायर। राज्यसभा मैंबर कपिल सिब्बल वालों अहम ऐलान। कपिल सिब्बल ने भारत में अन्याय नाल लड़न लई नवें मंच का किया ऐलान। गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों ते नेतावां समेत सारे नूं सहयोग देने की कीती अपील। विदेश मंत्री एस जयशंकर वालों कैनेडा की विदेश मंत्री नाल मुलाकात। G20 एजेंडे समेत अहम मुद्दों उत्ते हुई चर्चा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। दिल्ली आबकारी नीति नाल जुड़े भ्रिष्टाचार मामले में गिरफ्तार दिल्ली के साबका उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो गई। सीबीआई ने सिसोदिया दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सिसोदिया की सीबीआई रिमांड 6 मार्च तक बढ़ा दी है। सुनवाई दौरान सीबीआई ने सिसोदिया की 3 दिन की हिरासत की मांग की, हालांकि कोर्ट ने 2 दिन की हिरासत दी है। मनीष सिसोदिया ने जमानत पटीशन लई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कल ही पटीशन दायर की सी। सिसोदिया ने पटीशन में कहा है कि सीबीआई उन्होंने परेशान कर रही है, सहयोग न करना हिरासत का आधार नहीं हो सकता। सिसोदिया की जमानत पटीशन उत्ते 10 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। दस दिए कि सीबीआई ने सिसोदिया की 5 दिन की हिरासत समा खत्म होने तो मगरों उन्होंने विशेष जज MK नागपाल के सामने पेश किया। एजेंसी ने सिसोदिया की हिरासत होर बढ़ाने की बेनती की। अदालत ने सीबीआई को 2 दिन की रिमांड दे दी। राज्यसभा के मैंबर साबका केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भाजपा की अगवाई वाली केंद्र सरकार के कार्यकाल में देश में मौजूद अन्याय नाल लड़न लई एक नवे मंच का ऐलान कर दिता है। इस दे नाल ही उन्होंने इस काम में गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों ते नेतावां समेत सारे उन्होंने सहयोग करने की अपील की। सिब्बल ने कहा कि वह न्याय खिलाफ लड़ाई में लोगों की मदद करने इंसाफ मंच और इंसाफ का सिपाही नवी वैबसाइट शुरू कर रहे हैं। इस पहल में वकील मोहरी भूमिका निभाएंगे। नाल ही उन्होंने दस्सिया कि 11 मार्च को जंतर मंत्र उत्ते इस पहल के संबंध में बैठक करेंगे और भारत लई दृष्टिकोण पेश करेंगे। सिब्बल ने कहा कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने लई विरोधी नेतावां और आम लोगों समेत सारे नूं खुला सदा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कर्नाटक के दौरे पर ने। इस दौरान भगवंत मान ने लोगों को संबोधन करते हुए भ्रिष्टाचार को लेकर विरोधी धिरों पर निशाना साधा। उन्हें कहा कि भाजपा कांग्रेस सब चोर ने। दावणगिरे में मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने उत्ते भ्रिष्टाचार का हिसाब किया जाएगा। उन्हें कहा कि देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। इस मौके उन्होंने पंजाब में अपनी सरकार वालों किए काम भी गिनवाए। जब मैं कर्नाटका आया तो मैंने बात की कुछ लोगों से, तो 10 सेकंड में ही समझ आ गया कि समस्याएं वही हैं जो पंजाब की हैं। किसान की समस्या वही है जो पंजाब की है। हमारे यहां गन्ने की खेती होती है, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार, अभी साल नहीं हुआ, 16 मार्च को साल होगा, हमने गन्ने के उत्पादकों का 300 करोड़ रुपया जो पिछली सरकारों ने नहीं दिया था, आते ही सबसे पहले वो दिया, और गन्ने का रेट 380 रुपए क्विंटल है पंजाब में। देश में सबसे ज्यादा रेट पंजाब में मिलता है, और मुझे पता चला यहां पे तो 200, 180, 220 तक मिलता है। और हमारी भी जो गन्ना मिले हैं वो कई कई साल पैसे नहीं देती थी, यहां भी यही हाल है। तो समस्याएं हमारी वही हैं। मुझे पता चला 2.5 लाख वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, 2.5 लाख पद खाली हैं, और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी एक साल में 27,790 नौकरियां देकर आपके बीच में खड़ा हूं भाई साहब। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनेडा की विदेश मंत्री मेलानिया जॉली नाल मुलाकात की। उन्होंने G20 एजेंडे और ग्लोबल मुद्दों उत्ते चर्चा की। जयशंकर ने संबंधित ट्वीट किया कि कनेडा के विदेश मंत्री नाल व्यापक गलबात, G20 एजेंडे और ग्लोबल विकास बारे चर्चा की, व्यापार संपर्क के लोगों के मुद्दों के संबंध में दुबले मुद्दों उत्ते चर्चा की गई। इस तो पहला दिल्ली में एक समागम दौरान जॉली ने रूस यूक्रेन जंग का मुद्दा चुकया, मास्को अलग थलग करने का सदा दिता।
भारतीय फौज ने लद्दाख में असल कंट्रोल रेखा LAC उत्ते अपनी गतिविधियां बढ़ा दित्तियां ने। गलवान घाटी जवानों ने LAC के नेड़े तेड़े इलाकों में घोड़ों उत्ते गश्त की। फौज ने गलवान में उचाई वाले स्थानों उत्ते बेहद ठंड में क्रिकेट खेडण वाले जवानों दी तस्वीर भी जारी की ने। अधिकारी ने दसा कि हाल के महीने में जवानों ने पूर्वी लद्दाख में जमी हुई पेंगोंग झील उत्ते हाफ मैराथन का आयोजन भी किया। गलवान 2020 भारतीय चीनी फौजी आपस में भिड़ गए सन। अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी के माता प्रिंसीपल सरदारनी हरबंस कौर निमित गुरद्वारा साहब श्री गुरु सिंह सभा माल रोड पटियाला विखे अरदास समागम का आयोजन किया गया। पेश इस बाबत एक रिपोर्ट। अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी के पूजनीक माता प्रिंसीपल सरदारनी हरबंस कौर जी जो बीते दिन इस फानी संसार में अलविदा हो गए सन, उन्होंने निमित अंतिम अरदास समागम गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा माल रोड पटियाला विखे करवाई गई, जिस विच पंथ प्रसिद्ध रागी जथिया ने संगत नूं गुरबाणी कीर्तन सरवण करवाया। इस मौके पंजाब दे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह, विधायक अजीतपाल सिंह कोहली, साबका सांसद मैंबर प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा, बुढ़ा दल दे मुखी बाबा बलबीर सिंह अकाली 96 करोड़ी, अदारा चढ़दी कला दे चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी तो इलावा सरदारनी जसविंदर कौर दर्दी, चढ़दी कला टाइम TV दे डायरैक्टर हरप्रीत सिंह दर्दी, CEO डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर दर्दी भी मौजूद रहे। इस मौके वख-वख बुलारे ने अपने संबोधन दौरान सरदारनी हरबंस कौर वालों बिताए उच्चे सुचे ਅਤੇ ਖਲਾਕੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ अंतम अरदास में शामिल होने लिए आए हैं और उन्होंने जीवन बारे दसया गया। मैं सरदार जगजीत सिंह जी दर्दी और उन्होंने भरा चौधरी प्रभजीत सिंह जी, मेरा इन दोनों भरावों के नाल बहुत देर तो बहुत निघा प्यार है। माँ जिहा कणछावां बूटा मैनू किधरे नज़र ना आवे, माँ तो छां उधारी लैके रब ने स्वर्ग बनाए, तो साड़ी माता हरबंस कौर भी एक हो जे माता सी जेदे कोलों उन्होंने छां उधारी लैके रब ने भी स्वर्ग बनाए आ। वाहेगुरु उन्होंने अपने चरणों च स्थान बख्शन, अपने चरणों नाल लाण और उन्होंने दोनों बेटियां नूं और सानू सारियां नूं, असीं भी उन्होंने बेटे हाँ जी, सानू सारियां नूं भी वाहेगुरु सानू बल बख्शे कि असीं उन्होंने दिखाए हुए रस्ते ते चल सकीए। सो मैं इन्हां शब्दां नाल एक बार फिर तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद भी करदा। जिवें आपां कहिंदे पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत, वो धरती रूपी माता जिहड़ी है उन्होंने बड़ी इन्हां ते किरपा करके अपने बच्चों बहुत जिथे बुलंदियों ते पहुँचाया। उत्थे मैं कर रहा बेनती कर रहा जिथे आम समाज के ये विचरते ने उत्थे सारे धार्मिक जिहड़े संत महापुरख ने उन्हां दे नाल भी इन्हां दा बड़ा प्यार है। मैं समुचियां ही निहंग सिंह जथेबंदियों वालों क्योंकि हर जगह ही जाते आते ने सारिआं दे नाल इन्हां दा प्यार है, समुचियां ही निहंग सिंह जथेबंदियां सारे ही संत महापुरख ते ज्ञानी शेर सिंह जी अंबाले वाले जिहड़े बुढ़ा दल दे कथावाचक ने ते होर जिहड़े संत महापुरख जिहड़े बुढ़ा दल दे नाल जुड़े हुए ने, सारिआं ही निहंग सिंह जथेबंदियां वल्लों माता जी नूं जिथे मैं शरदा दे फुल भेट करदा, सारिआं ही निहंग सिंह जथेबंदियां वल्लों हाजरी लवाउंदा आ। सतगुरां दे चरणां दे विच बेनती करदा जिवें महाराज ने कहा पवन है मह पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण सिया राम। सतगुरु कृपा करन माता हरबंस कौर जी नूं अपने चरणों के निवास बख्शन ते परिवार च सुख शांति भाणा मनन का बल बख्शन। केंद्रीय युवा मामले अते खेडां ते सूचना प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब विच IIT रोपड़ तो युवा उत्सव इंडिया 2047 की शुरुआत की। इस मौके अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव का डैशबोर्ड लॉन्च किया। युवा उत्सव का आयोजन कई सूबों में वख-वख थावां उत्ते किया जा रहा है। पहले पड़ाव में 31 मार्च 2023 तक युवा शक्ति का उत्सव मनाने लिए देश भर में 150 जिलों में युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। नौजवानों नाल भरे हाल में संबोधन करदे अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि असी दुनिया की सब तो वड्डी युवा शक्ति हैं ते सानू अपनी विशाल समर्था प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए है। उन्हें कहा कि नौजवान कल के निर्माता ने आजादी का अमृत महोत्सव हमने
देश के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युवोत्सव की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कि जन भागीदारी से जन आंदोलन खड़ा करना है, अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर भारत को लेकर जाना है, विकासशील से विकसित भारत बनाना है, गौरवशाली इतिहास विरासत पर गर्व करना है, गुलामी की मानसिकता से आजादी पानी है, एकता एकजुटता को बनाए रखना है और नागरिकों का कर्तव्य पालन करना है। इन पंच प्रण के माध्यम से देश के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ऐसे कॉम्पिटिशन्स, पोएम्स, डेक्लमेशन, कल्चरल प्रोग्राम्स, ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफी और सब कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की भागीदारी होगी। स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाएगा। देश को अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर ले जाने के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं उस पर चर्चाएं होगी और कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से भारत की कला संस्कृति को दिखाकर एक और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे तो दूसरी ओर किन योजनाओं के माध्यम से भारत और सुदृढ़ हो रहा है उसके भी उल्लेख बीच बीच में आएगा। 748 जिलों में हर जिले में युवोत्सव, हजारों युवाओं की उसमें भागीदारी होगी, विजेता चुने जाएंगे, फिर राज्य स्तर पर कंपटीशन होगा उसमें विजेता चुने जाएंगे, फिर नेशनल स्तर के विजेता उसमें से चुने जाएंगे। फिरोजपुर पुलिस वालों आज पुलिस लाइन में रात कैंप लगाया गया जिथे सीनियर पुलिस अधिकारियों वालों आम लोगों की शिकायतों उत्ते विचार वटांदरे किए गए और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों ते कर्मचारियों योग दिशा निर्देश दिए गए। कैंप की निगरानी गजिस्टर्ड रैंक के अफसर स्टेशन हाउस अफसरों वालों की जा रही है। इस दौरान ADGP MF फारूखी ने कहा कि पुलिस मुलाजमान वालों दोवां धिरां दीआं दलीलां सुन के कुछ मामलों का मौके पर ही हल किया गया। इस मौके उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक ऐप भी जारी की है जिस विच लोग घर बैठे ही शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसनों आम लोगों वालों बहुत वधिया हुंगारा मिले। पब्लिक ग्रीवांसेस डिवीजन में आज रेंज पद्धर ते फिरोजपुर रेंज ये मीटिंग की हुई है। ये जी पब्लिक कंप्लेंटा का एक पोर्टल साढ़े वालों लॉन्च किया गया, सरकार वालों लागू होया है। ये सहूलत यह हैगी कि पब्लिक अपने घर च बैठे कंप्लेंट कर सकती हैगी, जो कंप्लेंट का स्टेटस है और देख सकती है। नाले ये एक डायनामिक प्रोसीजर यह है कि आप जिन्हें भी कंप्लेंटा लॉन्च होंदिया ने उदे विच एक सुपरवाइजरी डैशबोर्ड बने हुए ने जिदे विच SSP साहब, DSP साहब, ईवन DIG IG साहब ते मेरे ते मेरे वालों भी निगाह रखी जा सकती हैगी कि जिहड़ी कंप्लेंट है उदा क्वालिटी डिस्पोजल हो रहा कि नहीं हो रहा है, लोगों की हकरसी हो रही कि नहीं हो रही है। जे अगर हकरसी ना हो रही हो आप वो साढ़े नाल भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी आप इस्टैबलिश कर रहे, जे अगर थर्ड लेवल से साढ़े मुलाजिम किसी की हकरसी सही तरीके नाल नहीं करेंगे उन्हां दी आपां अकाउंटेबिलिटी फिक्स करांगे तो उन्हां दे खिलाफ़ कार्रवाई करांगे, ये इंश्योर करांगे कि जनता नूं इंसाफ मिल सके। पंजाबी खबरां दे इस बुलेटिन च फिलहाल नहीं जांदे जांदे नज़र मारदे हां मौसम दे हाल ते। तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी दे नाल। धन्यवाद।